केरल के वायनाड में भूस्खलन के चौथे दिन भी जिंदगी बचाने का जंग जारी है। 90 फुट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण पूरा होने से बचाव अभियान में तेजी आई है। इस पुल के रास्ते उत्खनन मशीनों सहित भारी मशीनें और एम्बुलेंस मुडकई और चुरलमाला तक पहुंच पाएंगी। वायनाड में भूस्खलन की वजह से 308 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 300 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव कर्मियों की 40 टीम ने शुक्रवार सुबह बारिश और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया। बचाव कर्मियों की 40 टीम भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के 6 जोन अट्टामाला और आरणमाला, मुडक्कई, पूचेरी मट्टम, वेलारिमा, लागांव, GVHSH, वेलिरामिला में पीड़ितों की तलाश करेगी। इसके अलावा चलियार नदी में भी पीड़ितों की तलाश की जाएगी। बचाव कर्मियों की टीम में सेना, NDRF, DSG, तटरक्षक बल, नौसेना और MEG के कर्मियों के साथ 3 स्थानीय लोगों और वन विभाग का कर्मचारी शामिल होगा। बचाव योजना के अनुसार चालियार के 40 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित 8 पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों और स्थानीय तैराक बलों के साथ मिलकर उन शवों की खोज करेंगे जो संभवतः बहकर नीचे चले गए हैं या नदी के किनारे फंसे हुए हैं। तटरक्षक बल, नौसेना और वन विभाग के कर्मी संयुक्त रूप से नदी के किनारों और उन क्षेत्रों पर तलाश अभियान संचालित करेंगे जहां शव फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे शवों का पता लगाने के लिए दिल्ली से ड्रोन आधारित रडार शनिवार को वायनाड लाया जाएगा।